जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। मैडम, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, आपका भी और हमारे दोस्तों का भी बहुत 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 स्वागत है। मधु मैडम, आज आप क्या बताने जा रही हैं? सर, आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन के बारे में बताऊँगी। तो जो कृषि यंत्र आपके पास है अभी यहाँ पर जी, उसमें क्या क्या है? सर, उसमें कॉम्बो है। कॉम्बो? कॉम्बो होली। कॉम्बो में क्या क्या है सर? इसमें आपको मैं देखिए दिखा रही हूँ, ये हमारा मिनी ट्रैक्टर है। मिनी ट्रैक्टर? हाँ जी, ये मिनी ट्रैक्टर है, आप इसको देख लीजिए। मैं इसका फीचर थोड़ी देर में बताऊंगी आपको, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए बंधु भाई जो भी हैं कि क्या है। अच्छा। इसके अलावा सर, ये स्प्रे है, ये स्प्रे मशीन है। जो किसान हैं मेरे दोस्त वो जानते हैं, जो मेरे भाई हैं किसान है वो जानते हैं कि इसका क्या यूज़ है, मुझसे अच्छा शायद जानते हो। बिल्कुल। ये चाफ कटर, इट मीन्स कुट्टी कटर मशीन है। अच्छा, कुट्टी काटने वाला? हाँ जी, हाँ जी, ये देख रहे हैं सर। हाथ से काटने से अच्छा है? हाँ जी, काफ़ी रिस्क भी रहता था हाथ से। हाँ जी, और ये दो आदमी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। एक आगे लगा रहा है, एक पीछे कर रहा है, काट रहा है। इसमें सर एक आदमी ही कर सकता है। और ये कितने हॉर्स का मोटर है? सर, ये 1 HP की मोटर है। 1 HP है? हाँ जी, 1 HP है। घर के बिजली से चल जाए एकदम। और ये सर ब्रश कटर। ब्रश कटर? हाँ जी, इसकी लेंथ आप देख रहे हो जी, लेंथ तो काफ़ी है मैडम। हाँ जी, इतनी लेंथ है कि सर अगर सीसम उसम का पेड़ लगाए हुए हैं, जिससे आप जिस पेड़ को लगा के आप लाखों सोचते हैं कि फ्यूचर में बड़ा होगा तो कमाएंगे, उसकी छटाई भी आप इससे आराम से कर सकते हो। हाइट इसकी इतनी है। ये भी फ्यूल टैंकी होता है सर इसमें भी। अच्छा। हाँ, 1100 ml की टैंकी होती है इसमें। अच्छा, 1100 ml। हाँ जी, यहाँ पे मोटर होता है, आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग है स्टार्ट का, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये सारा सर आपको टेक्नोलॉजी के साथ अटैच है, आप इसे कहीं भी ले जाके ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, काफी लंबा है, काफी लंबा है। इसको एडजस्ट भी किया जाता है सर, ये छोटा भी हो जाता है। हाँ, यहाँ से एडजस्ट होता है। अच्छा अच्छा। जैसा जिस आपका रिक्वायरमेंट होता है वैसा ये प्रोसेस में हो जाता है। ये सारा कंट्रोल यहाँ पे? हाँ जी, सारा कंट्रोल यहाँ पे। ये पेट्रोल टंकी 1100 ml का, इसका पेट्रोल एक बार में आप दीजिएगा तो आपको दिन भर का काम आराम से निकल जाता है। दिन भर अगर 10-12 घंटा आप वर्क करते अपने खेत में, या फिर किसी और के लिए भी कर रहे हैं सर, जैसे कि अर्निंग पर्पज से भी हो जाता है। बिल्कुल, ये अर्निंग पर्पज से कितना एक दिन में चाहे तो आसपास भी कर सकते हैं जी। 200-300 rupees तो सर आराम से आप एक दिन में कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कटिंग अगर कहीं फसल की कटाई होती है तो लोग उतना चार्जेस करते हैं। क्या नाम है इसका? मैं सही से ब्रश कटर कहते हैं। ब्रश कटर? हाँ जी। अच्छा। इसमें पैडीज वगैरह सब कटिंग होता है। अच्छा, ये जो है ये? हाँ जी, हाँ जी, इसी से कटिंग होती है। धान गेहूं जो भी फसल है वो काट लिए, या फिर अगर खेत को क्लीन करना है, घास भूस ज़्यादा हो गई है, या बड़े बड़े प्लांट्स है जो मतलब सीसम उसम के आम उम के प्लांट होते हैं, उनको सफाई करना होता है ना, छटाइयाँ करनी होती है, वो सारा चीज़ इसे कर सकते हैं सर। तो ये कॉम्बो है, मतलब कि यहाँ पे एक ये हो गया, फिर ये एक आपका ये चाफ कटर हो गया, ये आपको एक HP मोटर के साथ, ये सर स्प्रे वाला, ये बैटरी सिस्टम में अटैच है। अच्छा, बैटरी सिस्टम? हाँ, ये चार्जेबल है सर। अच्छा, इसमें आप एक बार में 18 से 20 लीटर का इसका टैंकी होता है। ये सर इधर आप देख रहे हो, ये टैंकी है इसका। अच्छा, पूरा जी, पूरा आपको सिस्टम के साथ मिलेगा सर, 18 से 20 लीटर इसका टैंकी होता है। अच्छा। और ये सर आपको चार्ज कर दिया आपने, क्योंकि खेतों में सर हर जगह इलेक्ट्रिक की फैसिलिटी नहीं हो सकती है, जहाँ तक आप स्प्रे कर रहे हो वहाँ जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक हो। तो चार्जेबल होने से क्या होता है कि आपने एक बार चार्ज कर लिया और खेतों में आप काम कर रहे हो, खुद के खेत में कर रहे हो, दूसरों के खेत में कमा करके कमा भी ले रहे हो, अगर वो पंप चलाने का झंझट नहीं, नहीं एक तरफ से चला रहे हो स्प्रे कर रहे हैं वो नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत इजीली है। चाफ कटर में सर आप देख रहे हैं 1 HP का मोटर होता है, और आप इसमें से आपने डाल दिया जो भी आप मटेरियल डाल के कटिंग करना चाहते हो, जो अपना डेयरी फार्मिंग आपने रखा है या किसी और की डेयरी फार्मिंग है तो आप वहाँ सेल करना चाहते हो, तो एक घंटा में 300 किलो इसका सर प्रोडक्शन है। 300 किलो? हाँ जी, 300 से ज़्यादा होता है सर, ये तो मैं कम करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके कि इतनी छोटी सी चीज़ है, देखने में कितना है। छोटा मोटा कुट्टी काटने वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं सर? छोटा मोटा नहीं, जिनके यहाँ 5-10 एनिमल हैं वो भी एक घंटा में, अगर सर 300 किलो है तो आप 5 घंटा चला लो।
कुछ लोग कुत्ती का ही बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो उन लोग के लिए सर सोच लीजिए, क्योंकि मैं तो बंगाल से हूँ सर, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देख रहे, ये इधर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। नाम तो मैडम ने बता ही दिया है। अभी चारों का कॉम्बो प्राइस कितना है, सेपरेट कितना कितना प्राइस है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो इसके गुण के बारे में बता रहे हैं। ये बैटरी से चलने वाला है, इसे पंप वो हैंडल नहीं है जिससे पानी बाहर निकलता है, जो कीटनाशक है वो बाहर निकलता है। और ये आपको कटिंग करने वाला है मशीन का, कई बार मैंने देखा भी है चलते हुए इसे। और ये देख सकते हैं आपको सब वीडियो में दिख रहा है सर, जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा। हाँ जी। और ये मिनी ट्रैक्टर, हाँ जी सर, ये मिनी ट्रैक्टर है जिसे आप इस हैंडल को आप उलट करके इस तरफ भी ला सकते हैं। हाँ सर, अगर बाय चांस ये कहीं फंस जाता है, सपोज देखिए देखिए यहाँ मेरा मशीन रखा हुआ है, तो ये मशीन में अब फंस रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सर यहाँ से इसको खोल के और इसको मैं बैक में ले सकती हूँ और इसको फिर मैं ऑपरेट कर सकती हूँ, ढीला करके उसको इस तरफ करके फिर उसको कस देना। हाँ जी, मूव करके यहाँ मूवेबल हो जाता है, आप इसको ले सकते हो। हाँ, ये खुल जाता है सर जी, और खुल के ये पूरा इस साइड आ जाएगा, आप उसके बाद इसको कर सकते हो। यहाँ सर गियर है, आप देख रहे हो गियर लगा सकते हो, दो गियर होता है इसमें, वहाँ आप देख रहे हैं स्टॉपर है। अच्छा, स्टॉपर है। हाँ जी, ये स्टॉपर है, ये ब्रेक है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका भी कुछ काम होगा। हाँ सर, ये देखिए आप, ये डायरेक्शन के लिए है। अच्छा, जैसे आपका गियर वाला साइकिल जैसे रहता है ना, उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए सर, यहाँ गियर बॉक्स है, ठीक है, ये गियर बॉक्स है सर, यहाँ ये पुल्ली है, पुल्ली। हाँ जी, इसमें आप ट्रॉली को लगा सकते हो, और ट्रॉली को लगा के लगभग 100 किलो का माल मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे। यानी कि ईंट भट्टा पे भी जो हाथ से ढकेल करके, हाँ 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 सर, एकदम एकदम, यहाँ पे 100 को ईंटा डाल करके ये लोग आराम से सर आप वो भी कर सकते हो। खेत में भी काम होगा, ईंट के भट्टा पे भी काम सर। तो मैंने आपसे कहा कि अर्निंग पर्पज से भी है, अर्निंग पर्पज से। और आज जो किसान भाई एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे हैं, अपना किसानी छोड़ दे रहे हैं, तो सर अगर देश में किसान नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज वो है तो सब। आज एक अनाज के कारण ही, यानी एक ये दो रोटी के लिए लोग कहाँ से क्या करते हैं, और ये रोटी कहाँ से आती है? उन किसान भाइयों से आती है जो किसान भाई अब किसानी करना छोड़ दिए हैं, खेती करना छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, अभी की टेक्नोलॉजी नहीं है, और लेबर मिलते नहीं है, अभी के लोग लेबर नहीं मिल पा रहे, खेत में मजदूरी करने वाले वो लोग बाहर चले जा रहे हैं अर्निंग पर्पज से। वो चीज़ आपका सारा सुविधा यहाँ आपको एक काम एक मशीन दिला सकता है, एक मशीन दिला सकता है। और ये हल लगा हुआ है ना? नहीं सर, ये स्टैंड है, ये जोत जब हम जोतते हैं ना तो हल की तरह ही इसको यूज़ करते हैं। इतने सारे अटैचमेंट सर इसके खोल के रखे हुए हैं कि सारा लगा के डिस्प्ले में रखना पॉसिबल नहीं है सर। यहाँ आप सर देख रहे हैं, ये कटिंग, ये जो खेत में बुआई के कारण जो जमीन को जोती जाती है, हाँ कोड़ा जाता है उसके लिए सर। तो जैसे कि आपका अगर लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। अच्छा, निकाल दीजिए। हाँ जी, जैसा आपको सर जैसा ज़रूरत है वो पूरा सेटअप है सर। ये चलता है कि सर, डीजल से या पेट्रोल? सर पेट्रोल से चलता है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ जी सर, आपकी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के। हाँ जी, इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसको भी सर निकाल दिया, और निकाल के इसकी जगह पे वो छोटा वाला अटैच कर सकते हैं। जैसा है सर, 6 इंच, 6, जैसे आप देख रहे हैं, 3 इधर है 3 उधर है, 6 इक्विपमेंट हुआ। आप इसे 4 इक्विपमेंट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसमें कटाई वाला इक्विपमेंट अलग आता है कटिंग करने के लिए, आप वो भी अटैच करवा सकते हैं। और ये सब जो इसका है, ये कहाँ पे लगेगा? ये मड गार्ड है सर, मड गार्ड। हाँ जी, आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी आधुनिक। ये 3.5 लीटर का सर देख रहे हैं फ्यूल टैंक है। 3.5 लीटर का? हाँ जी, 3.5 लीटर का है। 210 सीसी का इंजन है। 210 सीसी का इंजन? हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है सर, ये कुछ बोलने वाली बात नहीं है, सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ जी, 210 सीसी का इंजन है, यानी कि 2 मोटरसाइकिल का पावर है इसमें। जी, 5 HP की मोटर रहती है। 5 HP की मोटर, तो ये सर देख रहे हैं, ये 5 HP का मोटर है। सारी सुविधा है सर, ये टूल बॉक्स है, इसमें आप मोबाइल वगैरह या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं इमरजेंसी पर्पज से। अच्छा, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है मैडम कि ये जितना भी चीज़ दिखा रही हैं, ये पर तो आप बोले कि ये चक्का भी शायद हटता है ना? हाँ जी, ये चक्का खुल जाता है सर, यहाँ पे आप इक्विपमेंट लगा सकते हो, चक्का को आगे कर सकते हो। अच्छा, जैसा आपका सुविधा सर, ये टोटली आपके अनुसार है, आपके लिए है, और आप ही के वो कहते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो अब एक चीज देखते हैं, हम लोग कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, दैट मीन्स कि ये सिर्फ आपके लिए है, आपका है, आप ही से है,
तो ये चीज़ सर ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि आज के ज़माने में बिहार के लोग जो बाहर कहीं और जा रहे हैं वो प्लीज़ एक बार आइए, विजिट कीजिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा बिजनेस प्रपोजल जो है जो आप ही के लिए है कि आप कहीं और ना जाके यहाँ करें, आप अपने देश मोहल्ले राज्य में रहें, और ये चीज़ हम तहे दिल से चाहते हैं। प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका परिवार सिर्फ आप ही का है। और अब तो हर घर घर में गांव-गांव में बिजली आ गई है, तो आप ये मशीन आप ले जा सकते हैं। बैटरी वाली है तो खेत में भी लगभग हर जगह आ ही गया है लाइन, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और वो सब तेल से चलने वाला है। मैडम आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि इसकी कीमत कितनी पड़ती है? सर होली धमाका है। होली धमाका? हाँ जी। अच्छा, ये पूरा सेट हम सर 90,000 में देने को तैयार हैं। पूरा सेट? हाँ, आपके वीडियो के थ्रू अगर कोई आके कहता है, हम उसको एकदम इजीली विदाउट एनी बार्गेनिंग, जिसको कहते हैं कि माप तौल नहीं करेंगे, थोड़ा सा सर प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो सर आपकी भाषा में कहे कि दर मुलाई नहीं करेंगे। हाँ जी वही मोल जोल नहीं करेंगे, और 90,000 में हम सर पूरा कॉम्बो पैक दे रहे हैं। अच्छा, ये ट्रैक्टर? हाँ जी। और ये आपका कुट्टी वाला? हाँ जी। और ये क्या बोली इसको? ब्रश कटर और ये स्प्रे। स्प्रे जी। मतलब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये चार आइटम आपको 90,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब सोचिए खेत जोतिएगा तो जोतने के लिए ये है, और उसके बाद जब जोतने के बाद जब फसल हो जाएगा तो उसको कटिंग करने के लिए ये है, फसल के पहले इसको स्प्रे करने के लिए, फसल को बचाने के लिए ये है, और फसल कटिंग करने के लिए ये है, और खेत से जब घर में फसल आ जाएगा गेहूँ धान जो भी है तो उसके भूसा को काटने के लिए कुट्टी मशीन। तो आपको देख सकते हैं कि आपके लिए 90,000 में रोजगार का एक बेहतर विकल्प भी दिख रहा है, साथ ही आपके कृषि को सुदृढ़ करने के लिए ये सब मशीनें आपको काफ़ी मदद कर सकती है। तो मशीन का युग है, और मैडम यहाँ पर हैं, मैडम आई हैं सिलीगुड़ी से, बंगाल से चल करके, तो फ़ायदा उठाइए इसका। और ये देखिए ये चारों मशीन मैडम 90,000। हाँ जी। ये चार चीज़ आपके लिए है, आपके खेत के लिए है, आपके कृषि को सुदृढ़ करने के लिए है ये सारा यंत्र। तो मैडम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और हमारे कृषि भाइयों को, किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी चीज़ें आप लेकर के आई। धन्यवाद दोस्तों, और आपका भी सर, आपने अपना इतना अच्छा कीमती वक्त दिया। ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, मेरे किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि मैंने उन्हीं के लिए ये एक सेटअप तैयार किया है। आइए आके और इस सेटअप का आप उपयोग उठाइए, लाभ उठाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।